आप सोचिए कि ये वर्षा इस आश्रम में हो रही है और वो वर्षा चैतन्य की वर्षा है। आप जब भी आश्रम में आते हैं, आप जब भी आश्रम में आते हैं या जब भी सेंटर पे जाते हैं, ये दोनों ही स्थान मेरे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। उसका कारण है, आश्रम का तो हम सब जानते हैं, लेकिन सेंटर को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। दरअसल जो ध्यान केंद्र हैं, हमारे ध्यान के सेंटर्स हैं, ध्यान केंद्र वह स्थान है जहाँ एक निश्चित समय पर जो 24 घंटे के सेंटर्स हैं, यानी समर्पण भवन वगैरह हैं, उन स्थानों पर पूरे समय, और जहाँ कुछ निश्चित समय पे ध्यान किया जाता है, सुबह या शाम तो, या साप्ताहिक ध्यान होता हो, ऐसे सभी स्थान पर, ध्यान केंद्रों पर, उस समय गुरु शक्तियाँ चैतन्य वर्षा कर ही रही होती हैं। अभी आप उसे माने या ना माने, चैतन्य वर्षा करने को गुरुतत्व वहाँ पे होते हैं, गुरु शक्तियाँ वहाँ होती हैं। आश्रम में आते हैं, सतत चैतन्य वर्षा हो रही होती है। अभी हम अपने आप को केवल देख लें कि उस समय क्या हम उस नन्ही से बच्चे की तरह हैं या नहीं हैं? क्या हम अपने मोबाइल पर बिजी हैं? वो थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो अपने आश्रम में ले लिए जाते हैं, तो फिर भी छुपते छुपाते हो सकता है, क्योंकि होता है, यानी आई एम अवेयर ऑफ दैट। चलिए, हम बहुत ईमानदार हैं, हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ही अपने मोबाइल दे दिए हैं या स्विच ऑफ कर दिए हैं, हम नहीं उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल को साइड में रखते हैं। क्या हम आपस में बातचीत करने में ही बिजी हैं? तो जो चैतन्य वर्षा हो रही है, क्या उसे हम ग्रहण कर पाएंगे? चलिए, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम खोए हुए हैं कि अरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, यहाँ आकर भी क्या हम खोए हुए हैं? या फिर हम किसी नवपरिणित युगल की तरह एक दूजे में खोए हुए हैं? तो वर्षा का सच्चा आनंद तो वही ले सकता है जो उस बच्चे की तरह है, कि वो जल को लेता है, ग्रहण करता है, लेता है, ग्रहण करता है, लेके लुटाता भी है, यानी आसपास के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि चलो, मतलब कुछ वो अपनी अनुभूति शेयर करेंगे, वो अपने अच्छे अच्छे कुछ अनुभव शेयर करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी साधक होते हैं। तो जब हम नियमित ध्यान करते हैं, जब हम आत्मरूप होते रहते हैं, सुबह शाम आत्मरूप जब नियमित रूप से होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम अधिकांश समय उसी स्थिति में होते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समय ऐसे ध्यान में रहो। गुरुदेव ने कहा है ना कि आप आधा घंटा ध्यान करो, 23.5 घंटे ध्यान में रहो। ध्यान में रहो मतलब आप आत्मरूप रहो, आप नन्हे बच्चे की तरह रहो, जो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। अब देखिए ना, आपके घर परिवार के ही अनुभव लेके देखिए, घर में चाहे जो वातावरण हो, घर में कोई तनाव चल रहा है, घर में कोई तनातनी है, कोई बड़ा बहुत बड़ा टेंशन है, कोई बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति आ गई है, या घर पे मेहमान आने वाले हैं, उसका कुछ है, आप घर में किसी शादी ब्याह में बिजी हैं, जो भी चल रहा हो, लेकिन आप छोटे बच्चे को देखो, वो तो मस्त खेलेगा, उसको चार बच्चे और मिल गए तो वो रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेलेगा, पकड़ा पकड़ी खेलेगा, मजे करेगा। और आपने ध्यान नहीं दिया तो बगीचे में लगे हुए पेड़ वगैरह हो तो उसके ऊपर चढ़ेगा, कहीं ऊपर जाके कूदेगा, कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं सोचता है कि उससे उसे कुछ तकलीफ होने वाली है। यही छोटे बच्चे आपके अंदर भी हैं, बच्चे नहीं, बच्चा, क्योंकि 2 in 1 तो आप होना नहीं चाहिए। तो आप प्रत्येक आत्मा एक छोटा बच्चा है,
तो उस छोटे बच्चे को जगाइए, जीवन का पूरा आनंद लीजिए।